नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास है ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 Pro। तो मैं बताना चाहता हूं कि मुझे Move 3 OS का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये स्टेबल वर्जन में मिल चुका है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस Move 3 OS में हमें क्या क्या नए फीचर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं अपने ओला स्कूटर के डैशबोर्ड पे। तो इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो है इसका एंड्रॉयड का ऐप है ओला इलेक्ट्रिक के नाम से, जो कि कुछ इस तरह से है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर ये लॉक एंड सेफ दिखा रहा है। तो अगर मैं इस बटन को दबाता हूँ, अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसका ऑफ है तो मैं इसको अपने स्कूटर को ऑन कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये स्कूटर कुछ इस तरह से ऑन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ऐप में कि ये अभी भी मुझे 121 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। यानी कि अगर मैं इसे नॉर्मल मोड पे चलाता हूँ तो मुझे ये 121 किलोमीटर की रेंज दिखाएगा। इस बटन से हम इसके बूट को ऑन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और इससे फिर से हम इस स्कूटर को लॉक भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से भी काम करता है। इसके लिए आपको ब्लूटूथ ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पर इस ऐप को कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर है, हम इसके मीडिया कंट्रोल को पेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो अपने जो ओला का जो साइट, मतलब कि जो है ब्लूटूथ है, तो उसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इससे मेरे स्कूटर में अभी जो मीडिया कंट्रोल है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इस स्कूटर में यहाँ पर म्यूज़िक चलाया है। तो म्यूज़िक का वॉल्यूम मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीन है, यहाँ पर एक पार्टी मोड दिया हुआ है यहाँ पर फीचर। तो इस फीचर को मैं एक्टिवेट करता हूँ और देखते हैं कि हमें क्या दिखता है। तो फ्रेंड्स, पार्टी मोड में आप देख सकते हैं कि इसके जो लाइट्स हैं ये ब्लिंक करने लग चुके हैं, कुछ म्यूजिक के साथ सिंक हो चुके हैं। तो ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये है इसके प्रॉक्सिमिटी सेंसर के लॉक अनलॉक का बटन। अगर मैं इस मोबाइल को ब्लूटूथ ऑन कर इस स्कूटर के पास आता हूँ तो ये बिना किसी बटन के, फिज़िकल बटन के भी ऑन हो सकता है। यानी कि जब आप स्कूटर के पास आएंगे तो स्कूटर ऑटोमेटिक ऑन हो सकता है, और अब जब आप दूर चले जाएँगे तो स्कूटर ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो सकता है। तो ये कुछ है इसका फीचर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बारे में और भी डिटेल्स हैं। मैंने अब तक अपने स्कूटर को 14,395 किलोमीटर तक चला लिया है, और मैंने इसे परचेज़ किया था 12th नवंबर 2021 को, पर ये मेरे पास डिलीवर हुई थी जनवरी 15 को। तो ऑलमोस्ट एक साल होने को आया है। और ये इसका ओनर्स मैनुअल है, और यहाँ पर इसका प्रॉक्सिमिटी अनलॉक फीचर का कुछ ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी अनलॉक को हम इस बटन से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर साइलेंट प्रॉक्सिमिटी ऑप्शन भी है जिसे मैं ऑन कर अप्लाई करूँ तो इस फिज़िकल बटन से भी मैं इसे ऑन कर सकता हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये जो बटन था प्रॉक्सिमिटी का, इसको अगर मैं ऑन करता हूँ, ये दूसरा वाला साइलेंट प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, तो मुझे इस बटन को, ये जो ऑन वाला बटन है इसको मुझे प्रेस करना पड़ेगा, ये जो लाल रंग का बटन है, इस बटन को, तब जाके ये ऑन होगा। अगर मैं इसको ऑफ़ करके जस्ट प्रॉक्सिमिटी को ओपन करता हूँ तो मुझे कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुझे स्कूटर के पास आना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। तो इसके अलावा हम अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कम्युनिटी फोरम का जो
है, मतलब कि ओला का जो कम्युनिटी फोरम है, यहाँ पर आप, यहाँ पर कई चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं, कई नई जानकारियाँ आप यहाँ से गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर जाते हैं तो यहाँ पर भी और भी कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि अकाउंट, मेरे अकाउंट के बारे में डिटेल्स हैं यहाँ पर, स्कूटर एक्सेस, मैं किसी और को भी, यानी कि मेरे किसी रिलेटिव को भी इस स्कूटर का एक्सेस दे सकता हूँ, उनको जस्ट इस ऐप को इंस्टॉल करना है और मैं यहाँ पर एडर आइडर करके उन्हें एक्सेस दे सकता हूँ, तो वो अपने मोबाइल से भी इसे चला सकते हैं। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ, जैसे कि पैन कार्ड, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और भी कोई डॉक्यूमेंट अगर हो तो मैं उन्हें ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम है, प्राइवेसी एंड लीगल कुछ इन्फॉर्मेशन है और इनके कॉन्टैक्ट सपोर्ट, यहाँ पर अगर मैं कॉल करता हूँ तो मैं किसी टेक्नीशियन से बात कर सकता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। तो आइए इस स्कूटर को मैं फिर से अनलॉक करता हूँ और इसके डैशबोर्ड में देखते हैं कि मूव 3OS में और नए नए क्या क्या फीचर्स आए हैं और क्या क्या फीचर्स इसमें से चले गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि बीटा वर्जन में भी कुछ इस तरह से आ रहा था, पर यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी वो ये है कि यहाँ पर अभी ये 80% मतलब कि परसेंटेज में दिखा रहा है। यहाँ पर जो पहले जो दिखा रहा था वो कितना किलोमीटर का रेंज बचा है मेरे स्कूटर में, इसके बारे में दिखा रहा था। लेट मी फोकस इट। अभी देखिए ये मेरे स्कूटर में दिखा रहा है कि 88% है, तो पहले यहाँ पर रेंज दिखाता था पर अभी ये जो है यहाँ पर रेंज ना दिखा कर यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कितना परसेंटेज बैटरी बचा है। और अगर देखें यहाँ पर तो ये इसका डिस्क ट्रिप का ट्रिप मीटर है यहाँ पर, और यहाँ से मैं, आप देख सकते हैं कि इसके जो डिफरेंट मूव्स हैं इनको भी चेंज कर सकता हूँ। तो अभी इन्होंने 3 मूड्स हमको दिए हैं, जैसे कि बोल्ट, इसे बोल्ट मोड कहते हैं, ये है एक्लिप्स मोड, और ये है विंटेज मोड। तो हम जैसे कि बोल्ट मोड पे थे तो बोल्ट मोड से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रिप मीटर आ रहा है, यहाँ पर ऑल टाइम इसका जो मैंने किलोमीटर ट्रैवल किया है इसके बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 14,760 ऑल टाइम किलोमीटर मैंने रन कर चुका है, यही दिखा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं ये जो है इसका बूट ओपन करने का बटन है, आप इसे मोबाइल से भी अपने बूट को ओपन कर सकते हैं या फिर आप इस बटन को प्रेस करके भी इस गाड़ी के बूट को एज यूजुअल ओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इतना ही चेंज आया हुआ है। आइए इसको और डिटेल में जानते हैं। पहले मैं दूसरे एक और स्क्रीन को दिखाता हूँ आपको, जो कि इसका मूड है। इसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कुछ सेम तरह का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर जैसे कि 88% बैटरी दिखा रहा है, जो कि पहले जो बीटा वर्जन था उसमें कितना किलोमीटर का रेंज बाकी है वो आपको दिखा रहा था। और सेम यहाँ पर ट्रिप, आपका ट्रिप मीटर है और किलोमीटर है। और विंटेज में भी अगर इसको अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर भी कुछ सेम तरह का इंटरफेस देख सकते हैं। कुछ अलग ग्राफिक्स हैं ज़रूर, पर यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी आप 88%, जो कि मेरे लिए काफ़ी अनोइंग है, मैं चाहता हूँ कि कितना किलोमीटर रेंज है वो एटलीस्ट दिखाए, तो मेरे लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा। वैसे किलोमीटर अगर आपको देखना है तो आप सेटिंग में जाकर आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 88% का अभी बैटरी दिखा रहा है और किलोमीटर सब मोड्स के बारे में यहाँ पर डिफरेंट मोड्स पे बताया हुआ है, जैसे कि इको मोड पे 151 है, नॉर्मल में 121 एक्सेट्रा। तो ये दूसरों के लिए शायद कोई बड़ा इशू ना हो, पर मुझे ये पहला वाला जो था वो काफ़ी अच्छा लगता था।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये जो साउंड है मीडिया वॉल्यूम, यानी कि अगर आप इस स्कूटर में गाना बजाना बजाना चाहते हैं तो इससे आप वॉल्यूम को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो साउंड है ये सिस्टम साउंड है, जैसे कि इंडिकेटर का साउंड हो गया, हॉर्न का साउंड हो गया, इन सब साउंड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो है मूड्स के साउंड है, इस मूड्स के साउंड को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इसका साउंड का सेटिंग आया है। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एज़ यूजुअल अपीयरेंस ऑटो लाइट एंड डार्क ये वाला फीचर अभी भी है। आप यहाँ पे डार्क थीम या फिर अगर आप चाहें तो लाइट थीम को, या फिर आप ऑटो थीम, यानी कि ऑटोमेटिकली स्कूटर डिसाइड करेगा कि आपको अभी कौन सा थीम चाहिए, मतलब कि डिस्प्ले विल बी डार्क फ्रॉम सनसेट टू सनराइज। जब आई थिंक 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक ये मतलब कि डिस्प्ले जो है डार्क मोड में रहेगा, और जब सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये लाइट मोड में रहेगा। तो मैं डार्क मोड प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैंने डार्क मोड को ही चूज़ किया हुआ है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं इसका जो ब्राइटनेस है, आप यहाँ से इसको कम या बढ़ा सकते हैं। आप जो मूड्स है, मतलब कि जो इसका जो थीम है, उसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था। इसके बाद ब्लूटूथ सेटिंग पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके ब्लूटूथ से हम कनेक्ट मीडिया, मतलब कि अपने फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक नया फीचर आया है, जो कि है इनकमिंग कॉल्स और रिजेक्ट कॉल विथ मैसेज। यानी कि अगर कोई इनकमिंग कॉल आता है, आपका कॉन्टैक्ट सिंक है, अगर आपको फ़ोन आता है, तो आप इस डिस्प्ले में देख पाएंगे कि ये जो फ़ोन है ये कैसे आया है, किसने किया है, क्योंकि आपका जो कॉन्टैक्ट है ये सिंक किया हुआ है। अगर आप राइड कर रहे हैं और आप उस वो कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है, तो आप उस कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। जब आप रिजेक्ट करेंगे तो आप एक मैसेज जाएगा उस कॉलर के पास कि हे आई एम राइडिंग माई ओला स्कूटर। तो यहाँ पे रिजेक्ट इनकमिंग कॉल को भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेस स्कूटर कॉन्टैक्ट्स विद ओला इलेक्ट्रिक ऐप पेयर योर, जो भी मतलब कि इन्होंने कहा है कि किस तरह से हमें करना है, तो ये कुछ हम इस तरह से कर सकते हैं। फिर आता है वाईफाई का। यहाँ पर आप अपने आसपास के जो भी वाईफाई हैं उनको आप अगर आपके घर में वाईफाई है तो आप डायरेक्ट वाईफाई से अपने स्कूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि अपडेट्स आने अगर आता है तो आप काफ़ी इजीली उस स्कूटर को इजीली काफ़ी फास्ट तरीके से अपडेट कर सकते हैं। साउंड के फीचर को जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया था कि आप तीनों जो भी साउंड है, जैसे कि मीडिया वॉल्यूम, सिस्टम वॉल्यूम और जो मूड्स के साउंड है, इन तीनों को अभी इंडिविजुअली आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, क्योंकि अगर आपको एक ही साउंड के अलावा आपके पास ज़्यादा कंट्रोल आ जाते हैं इसमें, लाइट्स में आते हैं। तो लाइट्स में जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है इसका सेफ्टी या फिर हैज़र्ड लाइट है, इसको अगर ऑन करते हैं तो स्कूटर ब्लिंक करेगा, चारों इंडिकेटर इसके ब्लिंक करेंगे। और इसका जो हेडलैम्प है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले एक फीचर था कि जब हम स्कूटर को ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका जो डिपर है वो ऑन रहता था, पर अभी जो है सिर्फ हेलो लैम्प को हम ऑन रख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको अगर ऑन रखते हैं तो जब भी आपका स्कूटर ऑन होगा आपका जो DRL है ये ऑलवेज ऑन रहेगा। इसके बाद राइडिंग फीचर में आते हैं। यहाँ पर पहला जो फीचर आ रहा है ये है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन तरह के रीजनरेटिव ब्रेकिंग हम कर सकते हैं, जैसे कि है लो, डिफ़ॉल्ट और हाई। तो मैंने यहाँ पर हाई पे रखा हुआ है, तो आप जब स्कूटर राइड करते हैं और अगर स्कूटर आपका 70-80% पे है, अगर आप इस थ्रॉटल को मैं आपको दिखा दूँ, इस थ्रॉटल को अगर आप आगे की तरफ करते हैं इस तरह से, तो फिर आप स्कूटर को रीजनरेट मतलब फोर्स रीजन करते हैं, यानी कि ये स्कूटर चलते चलते भी थोड़ा बहुत चार्ज होता रहेगा। अगला जो इसका फीचर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, इसमें आया है हिल होल्ड असिस्ट। ये अभी बीटा वर्जन में है। जब कभी आपका गाड़ी जो है इंक्लाइन में अगर रहता है, तो अगर आपको ब्रेक दबा के खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि रेलवे फाटक हो गया,
वहाँ पर अगर जो इंक्लाइंड होता है वहाँ पर अगर आपने अपना स्कूटर लगा के रखा हुआ है और आगे भी गाड़ी है पीछे भी गाड़ी है, आपको कंटिन्यूसली आपका आपका जो मतलब कि ब्रेक है इसको प्रेस करके रखना पड़ता था, पर यहाँ पर अभी वो सिचुएशन नहीं है। आप ब्रेक दबा के रखेंगे तो 30 सेकेंड के लिए आपकी गाड़ी वैसे ही ब्रेक लगी हुई रहेगी, और जब ब्रेक जाने वाला होगा तो एक वार्निंग आ जाएगा, आपको फिर से ब्रेक लगा के रखना पड़ेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी मतलब कि हेल्पफुल रहेगा उस सिचुएशन में। यहाँ पर बैटरी मोड में वही वेकेशन मोड अभी भी है, जब आप अगर किसी वेकेशन में जाना चाहते हैं तो आप इसको ऑन करके जा सकते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी। दूसरा फीचर जो है पासवर्ड का है, यहाँ पर आप इस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं अपने पासवर्ड को। और ये एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो मैंने आपके अपने मोबाइल के ऐप में दिखाया था, मैं यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकता हूँ। तो जैसे कि इस गाड़ी का जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि ये इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो भी है इसका, आप यहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने पैन कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं। ये सब मैंने डिजी लॉकर के माध्यम से जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं इनको डाउनलोड किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक पुलिस को अगर मैं ये दिखाऊं तो ये इसकी ऑथेंटिसिटी शायद बरकरार रहे। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही कैरी कीजिए, इस पर भरोसा मत कीजिए, पर फिर भी ये इमरजेंसी के लिए आपके लिए काम में आ सकता है। सिस्टम अपडेट यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप इसके ऑटो डाउनलोड ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो डाउनलोड अपलोड्स अपडेट विल ऑटोमेटिकली डाउनलोड विद अवेलेबल अपडेट्स, तो आप यहाँ पर इसके अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि इसके अबाउट सेक्शन में क्या है। तो ये जो है मेरा ओला S1 प्रो स्कूटर है जो कि 14,760 किलोमीटर टोटल चल चुका है। इसके स्कूटर के बारे में अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जान सकते हैं। इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो 3.0.0 है। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में देखा कि मूव 3 OS के स्टेबल वर्जन के बारे में मैंने आपको डिटेल रिव्यू दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।